मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं तो 30 साल संघर्ष करता रहा, 20 वर्ष पहले एमएलए बन गया। मुझे वीरभद्र सिंह जी ने भी पोर्टफोलियो देने की पेशकश की थी, मैंने कभी नहीं लिया, क्योंकि मैं राजनीति में सेवा भाव से आगे आया हूं। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, ये कुर्सी कोई मेरी नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई मेरी नहीं है। इस मुख्यमंत्री की कुर्सी के हर 5 साल बाद आपको परीक्षा देनी पड़ती है। ये आम लोगों की कुर्सी है। मेरे 14 महीने के फैसलों का आकलन कर लीजिए, मेरे 14 महीने के कार्यकाल का आकलन कर लीजिए, उसमें आम जनता की समस्याओं के समाधान निकालने की योजनाओं की नीति नजर आएगी आपको। क्यों? क्योंकि हम आम परिवार से उठकर राजनीति करने आए, आम परिवार का दर्द जानते हैं, किसान का दर्द जानते हैं। इसलिए आज मैं आपसे ये कहने आया हूं, जो लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, जो खरीद में अपने आप को बेच देते हैं, आने वाले लोकसभा में आपके पास एक मौका है। आप उस मौका में जनता अगर हमारे साथ खड़ी होगी तो इस भ्रष्ट राजनीति को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आप खड़े होंगे क्या? आप लोग हमारे साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? दोनों हाथ जरा खड़े खड़े करके, मैं वादा करता हूं आपको, धन के बल से कुछ लोगों को तो खरीदा जा सकता है, लेकिन हमारी नैतिकता को कोई नहीं खरीद सकता। हम आम लोगों से उठकर आए हैं, आपकी सेवा के लिए आए हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम